अमरता ने हम इंसानों को लंबे समय से मोहित करके रखा हुआ है। अनगिनत लोगों ने सदियों से हमेशा जीने का रहस्य खोजा है, लेकिन ऐसा लगता है कि कम से कम एक हद तक हमारे पशु मित्रों ने हमें पिछाड़ दिया है। आज हम 10 ऐसे जानवरों के बारे में जानेंगे जो मरने के बाद भी जीवित रह सकते हैं, और आप नंबर 1 के लिए बने रहे इस वीडियो में, क्योंकि ये प्राणी अमर हो सकता है। नंबर 10, कॉकरोच। कॉकरोच अपने दृढ़ता के लिए कुख्यात है और अक्सर उन्हें परमाणु युद्ध के दौरान बचने वाले प्राणियों में से एक माना जाता है। कुछ का यह भी दावा है कि बिना सिर के ये रह सकते हैं। खैर, ये पूरी तरीके से सच है कि वे अपने बिना सिर के 2 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। ये समझने के लिए कि ये कीड़े सिर कटने के बावजूद कैसे बच सकते हैं, पहले हमें ये समझना होगा कि हम नाजुक इंसान कैसे नहीं बच सकते। सबसे पहले, इंसान का खून बहना। जब आदमी का सिर कट जाता है तो उसका बहुत खून बहता है। हालांकि कॉकरोच को यह समस्या नहीं होती है, क्योंकि उनके पास एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है जो बहुत कम या बिना रक्तचाप के बहते हैं। इसलिए यदि उनका सिर कट जाता है तो खून बहना तुरंत रुकने के कारण घाव स्वाभाविक रूप से खुल जाता है। और दूसरी बात, शायद स्पेसिफिकली, मानव सिर हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा ब्रेन को होल्ड करता है, जिसके बिना इंसान काम नहीं करेगा। सिर के बिना खाना पीना सांस लेना सब असंभव है, लेकिन दूसरी ओर कॉकरोच को सांस लेने के लिए अपने सिर का आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वे इस प्रक्रिया को अपने शरीर पर स्थित छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से करते हैं, जिन्हें स्फेरिकल्स कहा जाता है। हालांकि बिना सिर वाला कॉकरोच भूख से मर जाएगा, जिसके लिए उन्हें कई सप्ताह लगेंगे। नंबर 9, मधुमक्खियां। ये आपको एक पुलिस वाले की तरह लग सकता है। नहीं, मधुमक्खियां मरती है और मरी रहती है। हालांकि एक कारण की वजह से वे इस लिस्ट में दिखाई देते हैं, क्योंकि भले ही मधुमक्खियां मर जाए, फिर भी वो आपको डंक मार सकती है। जिस तरह से आप सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं। हालांकि मरे हुए मधुमक्खियां इधर उधर उड़ नहीं सकती और एक्टिवली आपको डंक भी नहीं मार सकती। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मधुमक्खी लंबे समय तक मृत होने पर भी इसके जहर का डिलीवरी सिस्टम एकदम प्रॉपर काम करती है। जब एक मधुमक्खी डंक मारती है तो उसका डंक शरीर से अलग हो जाता है, जिससे वो शिकार की त्वचा में घुस जाता है। इस स्टिंग से जुड़ा छोटा सा अंग है जिसमें मधुमक्खी का जहर होता है, और एक छोटी मांसपेशी होती है जो जहर को बाहर निकालती है। मधुमक्खियों के सिंपल फिजियोलॉजी के कारण इन कामों को मधुमक्खी के ब्रेन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, बल्कि अनैच्छिक आवेगों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि मरी हुई मधुमक्खी को उठाकर आप सुरक्षित हो, तो फिर से सोच लीजिए। नंबर 8, मुर्गियां। आप किसी भी किसान से पूछे, वह आपको बताएंगे कि मुर्गियां अभी भी अपने सिर कटने के बाद भी इधर उधर भाग सकती है। और इसका एक बहुत ही सिंपल कारण है, और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मुर्गियां ज़ॉम्बीज हैं। असल में एक कारण है, मानो या ना मानो, वो कारण है इंसानी त्रुटि। स्पेसिफिकली बोला जाए तो ये कसाई के कारण होती है। मुर्गियों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम इंसानों से बहुत अलग है। कुछ बुनियादी कामों को, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, ब्रेन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, बल्कि ब्रेन के निचला हिस्सा, जिसे ब्रेन स्टेम कहते हैं, उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? खैर, कसाई जब मुर्गे के सिर को काटता है तो ज्यादातर समय ये चिकन का सिर्फ अग्रमस्तिष्क होता है, जो सिर के साथ बाहर आता है, जिसकी वजह से ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम को काफी हद तक छोड़ देता है। इनफैक्ट, अगर कसाई जगलर, जो कि गर्दन की 3 बड़ी नसों में से एक, जो सिर से हार्ट तक खून पहुंचाती है, उसे छोड़ता है, तो चिकन ना केवल हिलता रहेगा, बल्कि कभी कभी वो सांस भी ले सकता है। बेशक ये भूख से मर जाएगा, लेकिन एक खास मामला ये भी सामने आया था कि एक मुर्गी पूरे 18 महीने बिना सिर के जिंदा रह चुकी है। नंबर 7, ऑक्टोपस। मुझे पूरा यकीन है कि आपने ऑनलाइन ऐसे वीडियो जरूर देखे होंगे जहां एक ऑक्टोपस काटे जाने के बाद भी हिलना डुलना जारी रखता है। वास्तव में कुछ एशियाई देशों में ताजा ऑक्टोपस खाना एक घातक डिश है। ये वास्तव में ऑक्टोपस नहीं है जो काटे जाने के बाद जीवित रहता है। असल में उसके 8 वायरलेस हाथ पैर है जो चलती रहती है, और यही 8 हाथ पैर है जो आमतौर पर किसी के गले में फंस जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत बुरा दिन देखना पड़ता है। एक ऑक्टोपस की अधिकांश नर्व सेल्स 3 में से 2 ब्रेन में नहीं पाई जाती है, बल्कि ये रहते हैं उनके उन पैरों में। इसीलिए ये हाथ पैर उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करना जारी रख सकती है, भले ही वो अब मेन ब्रेन से जुड़ी ना हो। वास्तव में ऑक्टोपस के लंबे समय तक मरे रहने के बावजूद उसके ये हाथ पैर सफर करते रहते हैं। लंदन में स्थित सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस फेनोमेनन पर व्यापक एक्सपेरिमेंट किए। इसे यूथिनाइज्ड दिए जाने के बाद इसकी भुजाओं को हटा दिया गया और 1 घंटे तक ठंडी समुद्री जल में रखा गया, जब तक कि वे प्रयोग के लिए तैयार नहीं हो गए। कुछ भुजाएं वर्टिकली और अन्य हॉरिजॉन्टली रखी गई थी। इसके बाद उन्होंने इसे टोका और 1 सेकंड के भीतर ही स्वाभाविक रूप से सिकरने और कर्लिंग करके उत्तेजना दिखाने लगे। और मजे की बात है कि ऐसे हलचल ऑक्टोपस के मृत्यु के 1 सप्ताह बाद तक हो सकती है। नंबर 6, सैलामेंडर।
नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाने वाले एक ऐसा प्राणी है जो हमेशा लंबे जीवन और अमरता के पर्याय रहा है। ये उन लोगों द्वारा भी पूजनीय है जो जादू में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि इस जानवर के अद्भुत पुनर्जीवी शक्तियों को असामान्य माना जा सकता है। सेलामेंडर में अपने शरीर के किसी भी हिस्से को दोबारा उगाने की अदम्य क्षमता होती है। आश्चर्यजनक रूप से ये पुनर्विकसित भाग वास्तव में उसी तरह काम करते हैं या कुछ मामलों में मूल भागों से भी बेहतर। ये मुख्य रूप से सेलामेंडर में पाए जाने वाले एक विशेष प्रोटीन के कारण होता है जो कोशिकाओं के प्रतिकृति की सुविधा प्रदान करता है। ये प्रोटीन इंसानों में भी पाया जा सकता है लेकिन कम मात्रा में। यही प्रोटीन हमारे घाव को ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम जल्द ही कटे हुए अंगों को दोबारा बना सकते हैं? ठीक है, हम अभी तक वहाँ नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक सेलामेंडर के स्टडी करना जारी रखे हुए हैं ताकि उनकी यह अद्वितीय क्षमता भविष्य में इंसानों को लाभ पहुँचा सके। नंबर 5, मेंढक। ये पता चला है कि मेंढक के ब्रेन डेड होने पर भी इधर उधर घूमते रहते हैं। ये प्रयोग तब किया गया जब वैज्ञानिकों ने पाया कि कई बिना सिर वाले जानवर इधर उधर घूमते रहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत प्रभावशाली है कि बिना सिर वाला कई प्राणी ऐसा कर सकता है। तो क्या होगा अगर आप मेंढक के सिर को बरकरार रखते हैं लेकिन उसका दिमाग निकाल लेते हैं? 19वीं शताब्दी के न्यूरोलॉजिस्ट डेविड फरियार द्वारा बताया गया है कि एक सिर वाला लेकिन दिमाग रहित मेंढक वास्तव में एक मेंढक के समान व्यवहार करता है जिसका ग्रे मैटर पूरी तरह से बरकरार है। यदि आप इसे उल्टा कर देंगे तो ये अपने आप फिर सीधा होकर चलने लगेगा। आप इसके पैर दबाओ, वो उछल कर दूर चला जाएगा। यदि आप इसे पानी में डालते हैं तो ये किनारे पर तैर कर चला जाएगा और बाहर निकल आएगा। और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि अगर आप इसके पीठ पर हाथ फेरते हैं तो ये आवाज भी करने लगेगा, जिसके परिणाम स्वरूप मेंढक की ज़ोंबी जैसे पलटा प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति होती है जो आवश्यक आवेगों को जगा देती है, जिससे मांसपेशियों का विस्तार या संकोचन होता है। नंबर 4, मक्खियां। आपने शायद देखा होगा कि डेविड ब्लेन ने मरी हुई मक्खियों को छूकर ही उन्हें जीवित कर दिया करते थे। पर ऐसा इसलिए नहीं है कि जादूगर के पास वास्तव में अलौकिक शक्तियां होती है। नॉर्मली मक्खियां फ्रीजिंग टेम्परेचर में जीवित रह सकती है और किसी प्रकार के लंबे नींद में जा सकती है। आप वास्तव में डेविड को जो करते हुए देखते हैं वो अपने शरीर की गर्मी का उपयोग करके जमी हुई मक्खी को पिघला रहा है। जब मक्खी पूरी तरह से पिघल जाता है तब उड़ जाती है। लेकिन ठंड के तापमान में जीवित रहने का यह अद्भुत क्षमता के लिए नहीं है कि मक्खी सूची में आती है। मादा मक्खियां सिर कटने के बाद भी कई दिनों तक जीवित रहती है। ऐसे कटी हुई मादाएं एक सामान्य मक्खी की जैसे ही सीधी खड़ी होती है और जटिल क्रियाओं में लग सकती है, जैसे कि उड़ान भरना और दबाव में चलना। इससे भी अधिक आश्चर्य की ये बात है कि नर मक्खियां सिर कट चुकी मादाओं का दरबार करते हैं। नंबर 3, कछुए। मछली सरीसृप पक्षी और स्तनधारियों के दिलों में समान रूप से अपने पेसमेकर कोशिकाएं होती है जो किसी कारण से ब्रेन स्टेम से संकेत नहीं आने पर भी काम करती है, जो ये सुनिश्चित करता है कि हृदय अभी भी थोड़ी देर के लिए काम करता है तब भी जब ब्रेन करता नहीं। लेकिन कछुआ कुछ समय के लिए इसे एक नए स्तर पर ले जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके दिल के व्यू पॉइंट से आमतौर पर ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से बिछड़ने के बाद खुद के खून से इसे आपूर्ति करना ऑफिस में रोजाना जाना जैसा है। इसलिए ये प्राणी लंबे समय तक मर के भी जिंदा रह सकते हैं। कितना लंबा? लॉगरहेड मास्क टर्टल के मामले में वे 5000 घंटे की कोशिश करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, वो 1-5 था जिसके बाद 3-0 थे। और वो इतने लंबे समय तक किस बात से जीवित रहे? ऑक्सीजन और पानी से अपनी त्वचा, गले और शरीर के आखिरी हिस्से के माध्यम से लेते हैं और साथ ही साथ ऊर्जा उत्पादन करते हैं अपने शरीर के अद्भुत क्षमता के माध्यम से। ऑक्सीजन के अलावा उनके दिलों में अपना खुद का ईंधन भरा हुआ है और वो तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक कि उसका अंतिम शक्ति खत्म ना हो जाए। अब बारी है आज के बेस्ट चुनाव की। आज हम एक ऐसे जानवर पर आपका ध्यान आकर्षित करने जा रहे हैं जो इतना खूंखार है कि अभी भी आपको अपने सिर के बिना ही मार सकता है। नंबर 2, सांप। अत्यधिक विषैले सांपों का सामना करने पर लोगों की प्रतिक्रिया को 3 श्रेणी में किया जा सकता है। 1, भाग जाना, दूसरा मौके पर जम जाना, या तो तीसरा, हे ऊपर वाले इसे मार डालो, इसका सिर फोड़ दो। जबकि वास्तव में चीजों को काट देना काटे जाने से बचने का सबसे सही तरीका लग सकता है, लेकिन सच्चाई ऐसा नहीं है। एक सांप का सिर उसके घातक जहर की थैली के जैसे एक पात्र, फिर भी आपको काटने और घातक विष देने की क्षमता रखता है। भले ही वो अब अपने शरीर के बाकी हिस्सों से जुड़ा ना हो, फिर भी आपको काटने और घातक विष देने की क्षमता रखता है। सांप के चेहरे के दोनों ओर हीट सेंसिटिव गड्ढे होते हैं जिनका उपयोग वो खतरों को पता लगाने के लिए करता है। यदि आप इतना करीब हो कि आपके शरीर की गर्मी का पता लग सके तो आप खतरे के रूप में माने जाएंगे। ये गर्मी के प्रति सेंसिटिव पीट्स मौत के बाद घंटों तक एक खतरनाक उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम है।
जिसका अर्थ है कि सांप खुद का बचाव करना जारी रख सकता है ज़ॉम्बी स्टाइल में। और हाँ, ये बात भी याद रखिए कि शरीर आप जुड़ा नहीं है। नंबर 1, फ्लैटोम्स। फ्लैटोम्स या चपटी कृमि सबसे पहले मिला था साउथ ईस्ट एशिया में, बाद में ये पूरी दुनिया में मिलने लगे। नॉर्मली ये मॉइस्चर वाली जगह जैसे पत्थरों के नीचे या फिर धीमे बहने वाली नदियों में पाया जाता है। इसको पुनर्जन्म के स्वामी के रूप में जाना जाता है। ये विच्छेदने के बाद अपने शरीर का किसी भी हिस्से का पुनर्निर्माण कर सकता है। यदि एक को आधा काट दिया जाता है तो सिर का हिस्सा एक पूंछ बन जाता है और पूंछ का हिस्सा एक सिर हो जाता है। अगर इसे 20 टुकड़ों में काट ले तो ये 20 नए कीड़े पहले की जैसे डुप्लीकेट बन जाती है। इसका फायदा नॉटिंगहम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने उठाया, जिन्होंने 200 से अधिक फ्लैटवर्म्स की एक कॉलोनी बनाई है। वो सभी एक मूल फ्लैटवर्म से है जिसके शरीर और रंग कभी बुढ़े नहीं होते। उन वैज्ञानिकों का विश्वास है कि एक भी कीड़ा जो विभाजित नहीं हुआ हमेशा के लिए जीवित रहेगा, जब तक कि ये किसी संक्रमण या किसी अन्य बीमारी के चपेट में ना आ जाए। तो दोस्तों, कौन सा डेथलेस प्राणी का विशेषता आपको पसंद आया हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। हमेशा की तरह पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप सभी का वीकेंड अच्छा बीते।